चलिए इसी के साथ रुक करते अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस बीएसपी अध्यक्ष मायावती श्रद्धा सुमन करेगी अर्पित। सुबह 8:30 बजे बीएसपी कार्यालय पहुंचेंगी मायावती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। भीमराव अंबेडकर को परिनिर्वाण दिवस पर नमन किया। चलिए इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शशांक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है कल और बीएसपी अध्यक्ष मायावती उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और ट्वीट कर उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। जी, मैं करना चाहूंगा कि परिनिर्वाण दिवस आज है और उसी को लेकर के लगातार लखनऊ में कार्यक्रम थे। आज 8:30 बजे सुबह मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यहाँ पर परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर पार्क में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद में उन्हें ट्वीट के जरिए भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और अपनी उद्गार व्यक्त की है। साफ तौर पर 8:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती वहां पर पहुंची थी। उनके साथ में कई बसपा के बड़े लोग थे, गंगाराम गौतम थे, अखिलेश अंबेडकर थे और सतीश चंद्र मिश्रा थे। तो साफ तौर पे आज ये एक बड़ी खबर है कि अंबेडकर दिवस पे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 10 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम में जाना था, उन्होंने सुबह से आगे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यहाँ अंबेडकर पार्क में पहुंच के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए और सुबह 8:30 बजे बीएसपी कार्यालय को पहुंची